दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Redmi 6 और 6A की डिवाइस में न्यू MIUI की ग्लोबल स्टेबल रोम की अपडेट देखने को मिल गई है। अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट देखने को नहीं मिली है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं और इसमें क्या नए फीचर्स देखने को मिली है, क्या आप लोगों को एंड्रॉइड पाई की सपोर्ट देखने को मिली है, क्या डार्क मोड के फीचर्स देखने को मिली है। दोस्तों सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ओनिटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स में लेकर अबाउट फोन में दिखा देता हूं, तो मैं यहां पर रेडमी 6 यूज कर रहा हूं जिसमें MIUI 10 की ग्लोबल वर्जन 10.4.1 स्टेबल देखने को मिल जाती है और इसमें हम लोग को एंड्रॉइड पाई की अपडेट देखने को मिल गई थी, जिसके संग में दोस्तों हम लोग को एंड्रॉइड पाई की अपडेट के संग में हमारी यहां वोल्टी की आइकन चेंज हो गई थी और हमारे यहां पर डिस्प्ले में डार्क मोड की फीचर्स भी सपोर्ट हो गई थी। तो एंड्रॉइड पाई के संग में हमारे रेडमी 6 और 6A की डिवाइस में क्या मिलने वाली है, तो दोस्तों जब आपके डिवाइस में एंड्रॉइड पाई की अपडेट देखने को मिलेगी तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताई है कि एंड्रॉइड पाई के संग में आपके फोन में क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी जो मैं खबर आप लोगों को देने वाला हूं, जो अपडेट रेडमी 6 और 6A की डिवाइस में देखने को मिली है वो है 10.3.6.0 की अपडेट। जी हां दोस्तों, 10.3.6.0 की अपडेट है और ये एक एंड्रॉइड ओरियो बेस्ड अपडेट है। आपके फोन में अभी भी पाई की अपडेट देखने को नहीं मिली है, तो दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। हमारे ग्रुप में आप लोगों को बहुत से लिंक वगैरह शेयर होते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं, तो अगर आप लोग हमारे ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप लोग जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों Redmi 6 और 6A की डिवाइस में आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी 10.3.6.0 की अपडेट ही है, जिसमें एक डिवाइस में आप लोगों को 270 MB की अपडेट देखने को मिलेगी और एक डिवाइस में आप लोगों को 203 MB की अपडेट देखने को मिलेगी। यहां पर आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया गया OCGMIXM, तो O यहां पर इंडिकेट करता है कि ओरियो की अपडेट है और MI इंडिकेट करता है यहां पर ग्लोबल वाला वर्सन है। ओरियो की अपडेट देखने को मिली है दोस्तों और इसमें क्या नए चेंज हम लोग देखने को मिलती है, तो सबसे पहले यहाँ पर एंड्रॉइड की सिक्योरिटी पेज आपके डिवाइस में यहाँ पर अगस्त की हो जाती है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 10.4.1.0 वाली दिखा देता हूँ जिसमें हम लोग को पाई की अपडेट देखने को मिलती है, तो उसमें हम लोग अभी भी उसमें हम लोग अभी भी जुलाई की सिक्योरिटी पेज देखने को मिलती है, तो काफी अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर अगस्त का मंथ में अगस्त की सिक्योरिटी पेज स्वामी वाले दे रहे हैं, वो भी स्टेबल में, तो इसके लिए दोस्तों बड़ा सा लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। अगले चैनल की दोस्तों बात कर लेते हैं तो ऐप लॉक में आप लोगों को देखने को मिलती है, तो आप लोग ऐप लॉक को यूज करते हैं और आप लोग अपने एप्लीकेशन वगैरह को लॉक करते हैं, तो पहले हम लोग गूगल कॉन्टैक्ट्स की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती थी ऐप लॉक में, लेकिन दोस्तों अब आप लोग गूगल एप्लीकेशन यूज करते हैं, गूगल कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हैं, तो आप लोग अपने ऐप लॉक में जाने के बाद से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अब आप लोग अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स को भी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगले चैनल की दोस्तों बात कर लेते हैं वो आप लोग देखने को मिलेगी लॉक स्क्रीन स्टेटस बार में आप लोगों को फिक्सेस देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर Redmi 6A में दिखा देता हूँ पाई वाले अपडेट में, तो अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन पासवर्ड में, उसके बाद जाएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर एडवांस सेटिंग में, तो हम लोग यहाँ पर लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट की सपोर्ट देखने को मिलती है पाई में देखने को मिल गई थी। अब दोस्तों मैं ये नहीं बता सकता कि आप लोगों को इसमें देखने को मिली है कि नहीं मिली है ओरियो वाले में, अगर आपके डिवाइस में ओरियो के संग में लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट की सपोर्ट देखने को मिली है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके संग में दोस्तों हम लोग को यहाँ फिक्सेस की गई है, यानी हम लोग जब मीडिया वगैरह सुनते थे, मान लिया हम लोगों ने अपने मीडिया को यहाँ पर एडजस्ट किया, उसके बाद जब भी कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलती थी तो फिर से वो रजिस्टर होकर वहां पर 0 या फिर 1% 2% पे मीडिया वॉल्यूम वहां पर डिक्रीज कर जाती थी, तो उसे फिक्स किया गया। उसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर गेम बूस्टर में आप लोगों को देखने को मिल जाती है सब फिक्सेस, कि अगर आप लोग गेम बूस्टर में किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें आप लोगों को कॉलिंग वगैरह देखने को मिलती है, तब दोस्तों उस वक्त हम लोगों को हैंड्स फ्री यानी लाउड स्पीकर वाली ऑप्शन इनेबल नहीं होती थी, तो उसे यहाँ फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मी क्लाउड को यूज करते हैं, एक से ज्यादा मल्टीपल डिवाइस यूज करते हैं और सिंगल मी अकाउंट यूज करते हैं, तब आप लोग किसी एक डिवाइस में यूज करेंगे तो आप लोगों को इस अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जब आप लोग सिंक को यहाँ पे इनेबल कर देंगे और सेम अकाउंट इसमें लॉगिन करके सिंक करेंगे तो सारे कंटेंट्स इस वाले डिवाइस की आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये मी क्लाउड वाली फीचर मुझे काफी पसंद आती है, आप लोगों को मल्टीपल अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बार बार आप लोगों को अपने डाटा को शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने मी अकाउंट से ही लॉगिन करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में यहाँ पर इजीली सिंक कर सकते हैं। दोस्तों यही अपडेट आप लोगों को इसमें चेंज देखने को मिलेगी, बाकी अपडेट करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या नए फीचर देखने को मिलती है इस ओरियो में और पाई के संग में आप लोगों को क्या देखने को मिलती है दोस्तों, तो आप लोग मेरी वो वाली वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट देखने को नहीं मिली है या फिर जो लोग ऑलरेडी पाई की अपडेट में है क्या उन लोगों को डाउनलोड करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, अगर मैं अबाउट फोन में जाकर यहाँ पर
थ्री डॉट्स पर क्लिक करके उसी सेपरेट पैकेज में जाता हूँ। जो लोग दोस्तों प्रीवियस वर्जन पर है जिनको अपडेट देखने को नहीं मिली 10.3.6.0 वाली, वो लोग इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेट स्टोर में जाकर दोस्तों यहाँ पर इस फाइल को चूज करके यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसा दोस्तों देख सकते हैं मैं पाई पे हूँ, तो पाई से ओरियो को हम लोग डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। कभी भी दोस्तों हम लोग एंड्रॉइड को अपने डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। अगर आप लोग एंड्रॉइड को डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने फोन में फास्टबूट मेथड या फिर कस्टम रिकवरी मेथड को यूज करना होगा, जिसका रिगार्डिंग मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो वीडियो को देख लेना अगर आप लोग एंड्रॉइड को डाउनग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग अपने एंड्रॉइड को डाउनग्रेड करें। फिर भी अगर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही इस पाई में, तो अगर मैं आप लोगों को चेंज लॉग दिखाता हूं दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर हम लोग चेंज लॉग देखने को नहीं मिलेगी, यहां पर सस्पेंड हो चुकी है। जब ऐसा दिखता है हम लोग का, इसका मतलब यह है कि अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंड हो गई है। अगर ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पाई में, दोस्तों आप लोग एक ही काम करें कि आप लोग सर्विस सेंटर विजिट करके अपने फोन को वहां से डाउनग्रेड करवा लिए, वो लोग अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपकी फोन यहां पर इजिली पाई से ओरियो पर चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपके डिवाइस में पाई के संग में देखने को मिल रही है, अगर आपके फोन में पाई के संग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग पाई पर रह सकते हैं। जो लोग पाई पे हैं उनको नेक्स्ट अपडेट मिलेगी, और जो लोग ओरियो पे हैं उनको नेक्स्ट अपडेट पाई की भी मिलेगी, या फिर पाई अगर वो लोग फिक्स नहीं कर पाते तो ओरियो में ही कुछ फिक्सेस वगैरह करके फ्यूचर में हम लोगों को पाई की अपडेट देखने को मिल जाएगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर यहाँ पर लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं चूज अपने पैकेज से, जो लोग ओरियो पे हैं। जो लोग पाई पे हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट या सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।